हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेटिंग ऑल। और इस वीडियो में आप लोगों को कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस बताऊंगा स्टेट वाइज। तो मैं एक सीरीज़ शुरू करने की स्टार्ट करूंगा सीरीज़, जिसमें आपको गवर्नमेंट कॉलेज बताऊंगा। स्टार्ट क्या करूंगा, बहुत जल्द ख़त्म कर दूंगा 2-3 दिन में ही। आज मैं वीडियो बना रहा हूं, अगर आप कमेंट करना, अगर आपको ऐसी वीडियोज़ और भी चाहिए हो तो फिर मैं कल परसों तो 2-3 दिन में सारी स्टेट्स कवर कर दूंगा। तो आज तो मैं केवल एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूं, तो आज मैं केवल एक स्टेट के कॉलेज बताऊंगा, आपको राजस्थान के कॉलेजेस बताऊंगा। तो ये वो कॉलेज होंगे जिनके हाई प्लेसमेंट होगी और आपको बहुत ज़्यादा स्कोर तो नहीं करना पड़ेगा, कम स्कोर मिल जाएंगे लेकिन बहुत ज़्यादा कम पे भी नहीं मिलेंगे। लेकिन कुछ कॉलेज होंगे जो आपको कम पे मिल जाएंगे, आप मुझे बता देना, वो मैं आपको कमेंट में और बता दूंगा कमेंट सेक्शन में। लेकिन कॉलेजेस का ओवरऑल प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा होगा, गवर्नमेंट कॉलेजेस होंगे। तो आज मैं स्टेट चूज़ करिए, आज मैं राजस्थान का बताऊँगा यार, क्योंकि आप फिर बताना आपको और स्टेट्स के चाहिए तो कमेंट सेक्शन में करके फिर मैं 3-4 स्टेट्स के मिक्सअप कर करके एक वीडियो में 3-4 स्टेट्स कवर किया करूँगा। और ऐसे ही करके हम कवर कर लेंगे एटलीस्ट सारी स्टेट्स, तो फिर सारे कॉलेज ऐसे कवर हो जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आज जो कॉलेज बता रहा हूँ आपका, राजस्थान में जो कॉलेज होते हैं वो यार RTU आपने सुना होगा, यानी कि राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी, इसके अंडर आते हैं मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस। तो काफ़ी अच्छे कॉलेज होते हैं, बहुत सारे अच्छे हैं, अभी मैं बताऊंगा उनके बारे में क्या क्या है, उनकी फ़ी वगैरह भी बता दूँ। तो जनरली जो फीस होती है वो 70,000 होती है यार पर ईयर, ट्यूशन फीस बता रहा हूँ, 70-77,000 ऐसी होती है। कुछ कॉलेजेस की अपनी डिफरेंट है, लेकिन सारे जो बहुत सारे हैं एफिलेटेड हैं RTU से ही एफिलेटेड हैं। तो मैं बात करता हूँ, जैसे मैं बताता हूँ, एक कॉलेज है आपका JECRC, इसका नाम आपने ज़रूर सुना होगा यार, ऐसा हो नहीं सकता आपने इसका नाम ना सुना हो। जयपुर में है ये आपका कॉलेज JECRC, तो ये काफ़ी अच्छा कॉलेज है, यहाँ पे आपको प्लेसमेंट वगैरह सारी है। यहाँ पे जो इसकी कॉलेज की बात नहीं कर रहा मैं, RTU में मोस्ट ऑफ द अच्छे कॉलेज हैं जिनकी मैं बात करूँगा, उनमें यार बहुत सारी कंपनीज आती हैं जो आपकी कॉमनली बड़े कॉलेज में आते हैं वही कंपनीज आती हैं, बहुत अच्छा प्लेसमेंट पैकेजेस वगैरह सारी चीज़ें। और कॉलेज मैं आपको बताता हूँ, आपको खाली मैं राजस्थान के स्टेट के स्टूडेंट के लिए नहीं बता रहा, आसपास के जो स्टेट्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं RTU के थ्रू, वो भी इन कॉलेजेस को ले सकते हैं JEE मेंस के स्कोर से। तो बहुत ज़्यादा भी नहीं जाते जिनके कम मार्क्स आएँ। तो मैं बताता हूँ, जैसा कि एक आपका SKITS का नाम आपने सुना होगा, SKIT, तो ये भी आपका जो है, ये कॉलेज भी आपका जयपुर में है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है इसकी SKIT की, स्वामी केशवानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, तो आप वो देख सकते हैं। बाकी तो SKIT हम कह देते हैं नॉर्मली, तो ये जो आपका जयपुर में है तो ये भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है। और एक मैं बताता हूँ, एक आपका अब तो जो आपके एक कोटा में भी आपका कोटा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, कोटा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, ये भी काफ़ी अच्छा, ये भी RTU के थ्रू होता है। और मैं यार और स्टेट्स की भी बना दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे कमेंट करके, और स्टेट्स के स्टूडेंट जिन स्टेट्स के यार कमेंट आएंगे उन्हीं का बनाऊंगा, जिसका कमेंट नहीं आएगा उसका नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि जब जिसके स्टूडेंट नहीं है जिस स्टेट के उसके बनाए क्या करूंगा। और बाकी वैसे आप अदर स्टेट से भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसी कोई टेंशन नहीं है। अगर कोई अदर स्टेट का स्टूडेंट भी किसी स्टेट के लिए कमेंट करता है तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, टेंशन वाली बात नहीं है। और कोटा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है यार, काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं, और आपका RA कॉलेज मेंस है। अब मैं बताता हूँ दो कॉलेज आपको, एक है आपका RA कॉलेज मेंस, इनकी कट ऑफ काफ़ी कम जाती है, आप कैटेगरी वाइज सारी चीज़ लगा के आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। RA कॉलेज मेंस, ये भी आपका बेसिकली जयपुर में ही है, तो RA कॉलेज मेंस है। और एक आपका ये RA कॉलेज मेंस जो कुकास जगह है जयपुर में, कुकास KUKAS, तो आप देख लेना वहाँ पे कहीं KUKAS, मुझे तो ज़्यादा जानकारी नहीं है इस जगह के बारे में कहाँ पे है, लेकिन RA कॉलेज मेंस जो, अब मेंस का क्या मतलब है यहाँ पे, एक ये है RA कॉलेज मेंस, इसे याद रखना, और एक है आपका पूर्णिमा कॉलेज मेंस, ये तो आपने यार जरूर सुना होगा, ये नहीं सुना, अगर आप राजस्थान में तो डेफिनेटली सुना होगा, बाकी अदर स्टेट में भी किसी ना किसी ने सुना होगा, पूर्णिमा कॉलेज मेंस है, ये भी आपका जयपुर में है। तो मेंस में इसलिए लगा रहा हूँ, पूर्णिमा कॉलेज और ये आपका RA कॉलेज जो है जयपुर में, बेसिकली इनकी मेन ब्रांच है और वो काफ़ी अच्छी है, बाकी इनकी ब्रांचेस अदर भी हैं, तो मैं मेंस इसलिए लगा रहा हूँ, मैं उसी मेन ब्रांच की बात कर रहा हूँ और ब्रांचेस की यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ। और ब्रांचेस भी यार मिलती हैं आपको, ये सब नहीं मिल रही हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन जो मेन ब्रांच है उसकी बात अलग है। तो जैसे कि आप जानते हैं बिट्स पिलानी की बात अलग है, बिट्स गोवा हैदराबाद की अलग है, तो ऐसा ही सारा सिस्टम है। तो काफ़ी अच्छे कॉलेज हैं। और एक मैं बताता हूँ, MBM जोधपुर है यार, इनकी सारी चीज़ें जाननी हो, इनमें किसी का रिव्यू जानना हो और इनकी फ़ीस वगैरह, कट ऑफ और प्लेसमेंट, कोई भी चीज़ पूछ रही हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना। और आप लोगों से एक मैं ये भी पूछ रहा था कि अगर आप चाहते हो मैं लाइव आऊँ आप लोगों के डाउट क्लियर करने के लिए, एक एक स्टूडेंट के सबके डाउट क्लियर कर दूँ मैं लाइव आके, तो ये भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, अगर आप कहेंगे तो लाइव आऊँगा। तो MBM कॉलेज भी बता दिया मैंने, जोधपुर आपका
MBM कॉलेज जोधपुर है, पूर्णिमा कॉलेज है, SKIT यही सब है यार, और अजमेर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज भी है एक। मैंने कोटा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज तो बताया, एक अजमेर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज भी है। किसी भी कॉलेज के ऊपर इंडिविजुअली पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। बहुत सारे कॉलेज हैं, JEE, RC मैंने बता दिया वो भी है, और भी बहुत सारे हैं RTU के थ्रू, मैंने कम ही बताए। आपको और ज़्यादा पूछने हो तो आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं, और बाकी और स्टेट्स के लिए भी ये वीडियो चाहिए हो, ऐसे कॉलेजेस उनके बारे में डिटेल में बताऊं तो वो भी कमेंट सेक्शन बता देना। इस वीडियो में बेसिकली आप लोगों को यार ऐसा बता रहा हूं ताकि आपको कुछ इंटरेस्ट है यानी आपको देखनी है ऐसी वीडियोज, यानी कि मैं उसमें कॉलेजेस के बारे में सारी चीज़ें बताऊँ। मैं एक एक कॉलेज की स्लाइड बना के इंडिविजुअली बता देता, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इंडिविजुअली बता दूंगा। तो चलते हैं यार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, ज़्यादा से फ्रेंड में शेयर करो, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।